भारत बनेगा विश्व गुरु, मोदी बनेंगे शांति दूत और 5 सालों तक दुनिया में नहीं होगा कोई युद्ध। 74 साल पहले भारत ने दुनिया भर में भेजी थी आर्मी, अब पीएम मोदी पढ़ाएंगे शांति का पाठ। क्या ताइवान यूक्रेन की हालत देख डर गया मैक्सिको, या विश्वगुरु बनने की नई शुरुआत है? रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, चीन ताइवान को धमका रहा है और अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया भर के देशों को लड़ा रहा है, लेकिन यह अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगले 5 सालों तक दुनिया में युद्ध ना हो, इस बात की जिम्मेदारी मोदी को देने की बात की जा रही है। साउथ कोरिया पहले ही मोदी को शांति दूत मान चुका है। दुनिया के कई देशों ने भारत की शक्ति को पहचाना है। रूस, श्रीलंका और सऊदी अरब जैसे देश मोदी का लोहा मानने लगे हैं। अब मेक्सिको को भी लगने लगा कि दुनिया का नेतृत्व भारत ही कर सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि मेक्सिको डरा हुआ है या फिर असल में दुनिया में शांति चाहता है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है, विश्व शांति स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस की अगुवाई में एक कमेटी बननी चाहिए। मैं संयुक्त राष्ट्र में लिखित प्रस्ताव पेश करूंगा। रूस, अमेरिका और चीन को शांति की तलाश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिले ताकि अगले 5 सालों तक दुनिया में कोई युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। मैक्सिको के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया जब कई महीने से रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और ताइवान को चीन चारों तरफ से घेरे हुए है। क्या मैक्सिको को भी ऐसा खतरा सता रहा है? क्योंकि ट्रंप के समय में अमेरिका और मैक्सिको के बीच दुश्मनी की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि ट्रंप ने मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर 1000 किलोमीटर लंबी दीवार बनवानी शुरू कर दी थी। लेकिन बाइडेन के आने के बाद ये काम रुक गया। सिर्फ मेक्सिको को ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को ये उम्मीद रहती है कि भारत शांति की बात करेगा, वो दुनिया के देशों की मदद करेगा। 7 साल पहले यमन से जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी अपने नागरिकों को नहीं निकाल पाए तो मोदी के एक फोन कॉल से सऊदी किंग ने गोलीबारी रोक दी थी और वहां फंसे भारत समेत दूसरे देशों के हजारों लोगों को निकाल लिया गया था। इस बात का खुलासा तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। भारत हमेशा से शांति और मानवता का पक्षधर रहा है। जब भी कहीं युद्ध होता है तो उसके बाद शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। 120 देशों की सेनाओं और पुलिस को मिलाकर यह फोर्स तैयार हुई। 49 मिशन में भारत साथ रहा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को मिला दे तो इस फोर्स में इनकी संख्या 1/3 है। 70 सालों से भारत दुनिया भर में आर्मी भेजकर शांति स्थापित करवा रहा है। अब दौर बदल रहा है। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले तक लोग ऐसी नजरों से अमेरिका की ओर देखते थे, कोई देश कंगाल हो या फिर उस पर कोई हमला करे लोग अमेरिका से गुहार लगाते थे। लेकिन अब चाहे रूस को मदद चाहिए या फिर श्रीलंका को, वो भारत की ओर देखते हैं। अमेरिका अपना जहाज बनवाने के लिए भारत भेजता है। बाइडेन मोदी से मिलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के सामने बेचैन दिखते हैं। जब मोदी आगे चलते हैं तो पूरी दुनिया के नेता पीछे पीछे हो लेते हैं। मतलब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व में शांति स्थापित करने, विकास के पथ पर आगे बढ़ने और दुनिया को नई राह दिखाने के लिए तैयार है। देश में भले ही आपको बेरोजगारी, महंगाई और तमाम दिक्कतें दिखें, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश ये जान चुके हैं कि भारत ही उनका भला कर सकता है। वरना अमेरिका के बगल में बसा मैक्सिको मोदी के बजाय बाइडेन का नाम लेता और कहता पहले की तरह अमेरिका ही सबका भला कर पाएगा। आप हो सकता है रिपोर्ट देखकर कमेंट में लिखें कि मीडिया मोदी की छवि बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लिखते वक्त ये भी सोचें कि मीडिया दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बयान नहीं दिलवाता, वो खुद अपनी मर्जी से बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।